जिंदगी बहुत ही हसीन है, प्यारे बच्चे, खूबसूरत लड़कियां और मेरे ऑसम हैंगआउट्स विद कट्टू। वैसे तो मैंने हमेशा प्यार बांटा है, चाहे वो बॉल देके हो या फिर नंबर देके, मगर किसी को क्या पता था कि गट्टू की एक टक्कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी और मेरा हग्स यू टू वाला मैसेज गलत लड़की को चला जाएगा। वैसे निशाने तो मेरे हमेशा से खराब हैं, चाहे वो मोहल्ले की गली हो या फिर कॉलेज का कॉरिडोर। रन। और इस दफा व्हाट्सएप के टैब्स थे और मेरे ऊपर एक्सप्लेनेशंस की कयामत। हाँ हेलो एमल, अली मुझे पता मुझसे प्यार नहीं करते, आप पे इतना ट्रस्ट किया, आपको फेसबुक का पासवर्ड दिया, आपको इंस्टाग्राम का पासवर्ड दिया, मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। यार वो मैंने अपनी खाला की बेटी को मैसेज करना था यार। मुझे पता है आपकी कोई खाला नहीं है और खाला की बेटी को हग्स यू टू जैसे मैसेजेस कौन करता है? आपके लिए तो मैंने अपनी पप्पू की बेटी को भी रिजेक्ट किया है। यार मुझे भी नहीं पता था मेरी कोई खाला है, मामा ने परसों ही बताया यार। कैन यू बिलीव दैट? और वैसे भी वो तो छोटी सी बच्ची है यार, 2 साल की। यार 2 साल की छोटी सी बच्ची ऐसे मैसेजेस कैसे कर सकती है? नहीं उसका मोबाइल उसकी बड़ी बहन यूज करती है ना, और वो यूनिवर्सिटी में। आप यूनिवर्सिटी की लड़कियों को यूट्यूब जैसे मैसेजेस करते हो? मुझे लगता है मुझे एक और कॉल आ रही है। अब किस माँ की कॉल आ रही है? मुझे मेरी अपनी माँ की कॉल आ रही है। हाँ जी जी अम्मी। ओ मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे सोने, मेरे नीले, मेरे पीले कुत्ते कमीने, केड़ी मारा लगा है। हाँ जी बताए, काम क्या आपको? चल गल सुन, आंदे हुए मुन्ने नो ले आई ते एक केटू की डब्बी भी ले आई। अच्छा अम्मी मैं ले आऊंगा, मेरी मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं आपको आई विल कॉल यू बैक। ठीक है अम्मी, ओके बाय। चल अल्लाह हाफिज़। हाँ हेलो एमल, यार मैं वादा मेरी कोई खाला की बेटी नहीं यार, मैं तुमसे झूठ बोल रहा था यार, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ यार, और मैं सिर्फ तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। लानत है मेरे ऊपर अगर मैं किसी और से बात करता हूँ, लानत है यार, लानत है। अली ये एमल कौन है? मैं नेहा बात कर रही हूँ। यार एमल मेरी खाला की बेटी है। ये वही है जिसको तुमने मुझसे ज्यादा रेट किया था? यार मुझे लगता है मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे मुझे हॉल पड़ने लगता है, मेरे दादा बू फोत हो गए। अब तुम भी अपनी कब्र अपने दादा बू के साथ ही बनवा लो। यू नो व्हाट, आई कांट बाय योर शिट एनीमोर, आई एम डन, आई हैव नेवर बीन योर फर्स्ट प्रायोरिटी, जस्ट गो टू हेल यू स्टूपिड इडियट उल्लू के पट्टे। भाई बहुत कुत्ती हुई है आज। गेंदे तू इतना नीच और घटिया आदमी है, तू लड़कियों को रेट करता? पर नहीं क्या रेट यार, 2 साल पहले मैंने एमल की पिक्चर लाइक की थी फेसबुक में, पब्लिक में थी, तो साथ ही नेहा का मैसेज आ गया, कहती आपकी दोस्त बहुत प्यारी। यार भाई ये लड़कियां पब्लिक में पिक्चर क्यों लगाती हैं? मुझे क्या पता यार, मुझे पता होता तो मैं यहाँ होता। तो फिर साथ ही कहती है मुझे नेहा, कहती अच्छा आप एमल को 10 में से कितना रेट करोगे? मैंने कहा यार मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं लड़कियों को रेट नहीं करता। तो फिर साथ ही कहती नहीं अली कम ऑन कुछ तो रेट करो, वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसी हेजिटेशन क्या? मैंने कहा ठीक है 10 में से 7। तो कहती 7 तो मैं अपने आप को रेट करूंगी, वो तो इतनी प्यारी है। तो मैंने कहा ठीक है 10 में से 9। ओ 9 रेट कर दिया तूने यार उसको? यार देख यार इसला, एक तो उसकी हाइट छोटी है, एंड लाइक गर्ल्स विद शॉर्ट हाइट्स, और दूसरा उसके बाल शोल्डर्स तक है, और उसका एक नंबर तो बनता है यार, दे रही है। ओ भाई ओ भाई भाभी का फोन है, भाभी का फोन। हेलो हेलो नेहा, नेहा वादा मेरी कोई खाला की बेटी नहीं है, वादा मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, लानत है मेरे ऊपर अगर मैं किसी और से प्यार करता हूं, लानत 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 यार। उल्लू दे आ पठिया, मैं तेरी मां आखनी पईया। केड़ी नेहा एमल लाई है तू है? ते खाला दी ती ते तेरी बड़ी नजर है। मामा आपको पता तो है हमारी कोई खाला ही नहीं है। ओ यार मैं ना तेरे नाल झूठा खिया सी,
तेरी खाला भी है ते ओ की कहंदे ने अंग्रेजी च कैन यू बिलीव दैट चल ओदे नाल ना मैं तेरी गल करनी आ अच्छा ठीक है मां कोई जरूरत नहीं आपको उससे बात करने की लगा रहा फिर तू दूजी मां नाल ते ओ दे ही है चल अल्लाह हाफिज ओके यस बॉस मैंने आपको बोला क्या है यार ये लड़कियों की चपचप ने मेरी जिंदगी खराब कर दी यार और तू आगे से क्या लड़कियां आपको तंग करती हैं क्या आप लड़कियों की चपचप से परेशान हैं क्या आप लड़कियों के जुल्म और सितम से तंग आ चुके हैं तो पेशे खिदमत है जाननी बापा के टोटके जानी बाबा की अमेजिंग पर्सनैलिटी और ऑसम टोटकास कर देते हैं हर लड़की को डाउन इज इट माई आईज व्हेन यू लुक एट मी दे आर सो गॉर्जियस दे विल सेट यू फ्री सुपर गुड लुकिंग एवरी हेयर इन प्लेस एवरीवन लव्स दिस गॉर्जियस फेस जानी बाबा इस मकाम पर ऐसे ही नहीं पहुंचे जानी बाबा की पूड़ियां बिकती हैं सूडान सोमालिया लीबिया इराक ईरान यमन और सीरिया में और जानी बाबा को ट्रम्प डैडी का आशीर्वाद भी हासिल है असली जानी बाबा से होशियार हमारी और कोई ब्रांच भाईजान आपका क्या मसला है मुझे नहीं मेरी बंदी को मसला है वो क्या वो फेमिनिस्ट है तो उसने जेंडर ट्रांसप्लांट करा लिया भाईजान आपकी बंदी को क्या मसला है उसे कोई मसला नहीं है यार मुझे मसला है वो क्या मैं फेमिनिस्ट Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night. And I won't be long. Gotta do my hair. Put my makeup on. आम खाएगा भाई आम क्या भाई तो लड़के से गालियां भी खाता है ना कर यार जानी बाबा मुद्दे पे आते हैं आज कौन सा दिन है आज वेडनेसडे संडे फंडे हां वेडनेसडे अच्छा मुद्दे पे आते हैं देखिए मुद्दा ये तू नहीं तू बोल ये क्यों बोले इसका मुंह गट्टू जैसा है इसका नाम भी गट्टू है जब से मेरी जिंदगी में है कपल तो मेरी जिंदगी में लूज है आप भी तो दो गश्तों में सवार हो ना एक पाव इधर एक पाव इधर अब दुनिया में खप्पा है तो यहाँ क्या कसूर है यार भाई लड़कियों के थल्ले क्यों लगते हो कोई रोल होता है कोई दबदबा होता है कोई एटीट्यूड होता है कोई ग्रेस होती है एक सेकंड हाँ जानू मैं आ जाऊंगा एक पैकेट चिकन लेके एक किलो पेपर लेके हाँ आके सफाई भी कर दूंगा आई लव यू ओके बाय और मैं कहाँ पे था थल्ले लगने के तो थल्ले क्यों लगते हो अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ जब तुम बोर हो जाते हो लड़कियों से तो क्या करते हो फिर ना वो मैं अपनी तीसरी दोस्त हिना को मैसेज करता हूँ भाई वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं थी भाई उसने तो कहा था कि तुम ही तो हो अब उसके पास वारिद की सिम है उसी उसी की वीडियो कॉल आ रही है बाल मेरे सही लग रही बाल बाल सही है गड़ी Just be yourself. Tell call.
हाय हिना, कैसी हो? ठीक हो? हाय अली, मैं ठीक हूँ। मैं अभी पार्लर जा रही थी, मैंने पेडी करवाना। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अपने बालों को रेड कलर कराना मुझे बहुत पसंद है। रेड कलर यार मुझे बहुत पसंद है। ओ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ मेरे प्यारे हमजा अली। अली ये पीछे चुई का मुंह वाला कौन है? ये चौकीदार रखा है मैंने। ओ गट्टू हाय। ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल के पास रहोगे गट्टू भाई। अच्छा ठीक है ना, मैं ना बाद में बात करता हूँ, यहाँ ना बड़ा माहौल खराब है, इधर बड़े कुत्ते आए हुए हैं, बाद में बात। ओके बाय। तेरा थल्ले लगना बनता है जानी बाबा। वैसे ये आप बड़ी ओछी हरकत कर रहे थे, आपको सही बात बताऊं, मगर चले आप मुझे मसले का हल बताएं, इन तीनों लड़कियों में से सबसे सच्चा प्यार कौन करता है? मैं भी भर दूं, मेरा भी दिल करता है मैं किसी एक से प्यार करूं। तेरे मसले दाना इस दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक ही हल। वो क्या? ओ जानी बाबा कोल। तो बताओ। तू घर जाएगा। फिर? वाईफाई ऑन करेगा। फिर? कनेक्ट करेगा। फिर? फिर टिक दो टिक हो जाएंगे। फिर वो डबल टिक से ब्लू लिखोगे। फिर तू चैट बंद कर देगा। पागल हो गए यार जानी बाबा, पागल हो गए। गट्टू यार, गट्टू छोड़ देंगे मुझे, गट्टू छोड़ देंगे। नहीं छोड़े पड़े इसके मशरूम। जो ब्लू टिक होने के दो घंटे बाद तक तुम्हें मैसेज ना करे, तंग ना करे, समझ जाओगे वही तुम्हारा सच्चा प्यार है, क्योंकि वो तुम्हें टाइम देती है, स्पेस देती है, जीने का हक देती है। नंबर दो, बगैर तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। यार गट्टू ये ब्लू टिक्स नहीं कर रहे मैंने यार। फिर भाई मुझे फेस टू फेस बात करनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप भाई। भाई फेस टू फेस जाके बात करना, ये लड़कियां ना होती चीट है। पता क्या करती हैं? फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर्स और डीपी लगाती हैं जैन मलिक की, और अपने बंदे की शक्ल देखो है छतरे जैसी। कैसी बातें कर रहे हैं यार? यार मैं सही कह रहा हूँ, इतनी हिपोक्रेसी, इतनी हिपोक्रेसी। ये जो नेहा है ना, नेहा पता क्या करना, जाके फेस टू फेस ना इसको सबक सिखा देना, गुस्से से डांट के सबक सिखाना, डांट के सबक सिखाऊंगा, सबक डांट के। बस तू ही मेरा दोस्त है, डांट के, डांट के। चल 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 तो स्टार्ट कर लो। And I'm feeling good. ना 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 ना। देखो नया, मैं तुमसे एक बात करनी है। मुझे पता है तुम कहाँ से आ रहे हो, मुझे पता है तुमने मुझसे क्या बात करनी है। वो कैसे? गट्टू ने स्नैपचैट स्टोरी लगा दी थी। तुम समझते क्या अपने आप को? I know how to treat a misogynist like you. You know what? I'm gonna kick your ass so hard that you'd succumb to death. You stupid egocentric son of. Get lost. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. वैसे गट्टू, स्नैपचैट स्टोरी तूने अच्छी बनाई, मगर नेहा को क्यों ऐड करना था यार? आप भी तो दो पतंगे उड़ाना चाहते हो ना, एक डोरी साथ में, एक डोरी साथ में, बोल पड़ेगी ना। मुझे एक बात बताओ, लड़कियां चाहती क्या है? ऑनेस्टी, प्यार, रिस्पेक्ट, सिंसेरिटी, देते हो? बताओ। नहीं नहीं देते हो? तो यार मैं भी तो प्यार चाहता हूँ, रिस्पेक्ट चाहता हूँ, पीस ऑफ माइंड चाहता हूँ, नहीं मिलता भाई। वो एमल, उसमें क्या बुराई है? उसके साथ तुम सिंसियर हो जो ना। एमल, उसे पता है मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं, जिसमें 3G नहीं चलता। सारा दिन से थका हारा घर आता हूँ, घर आके अभी वाईफाई लगाता ही हूँ, दो पेजेस का एडमिन हूँ, साथ ही उसका मैसेज आता है इग्नोरिंग।
और सिर्फ इग्नोरिंग नहीं आता, साथ एक यार्ड लॉन्ग टेक्स्ट आता है जहां से मेरी सारी बुराइयां लिखी होती हैं और लिखा होता है कि मैं कितना लकी हूं उसको पाके और वो कितनी अनलकी है मुझे पाके, और फिर दिन के सारे मूड का सत्यानाश करके एंड पूछेगी अली डू यू लव मी, और ऐसे मौके में अगर आप कुछ ना बोलो तो आगे से कहेगी कि अली वी शुड बी मोर वोकल अबाउट अवर रिलेशनशिप, ठीक है मान लिया। अगले दिन दोबारा टेक्स्ट करती है 2 बजे, कहती है अली व्हाट्सअप, ठीक है यार वोकल होते हैं, मैं से कहता हूं यार आई एम बिजी राइट नाउ आई टी टी वायर, कभी भी लड़की को टीटी वायर नहीं कहना, आगे से एसटीएफयू डब्ल्यूटीएफएफयू पता नहीं क्या क्या कहने लगी यार। खैर लेसन लर्न्ड, अगले दिन दोबारा वो 2 बजे टेक्स्ट करती है, हालांकि शी नोज कि मैं 2 बजे बिजी हूं, लड़की है ना क्या करे, मगर खैर ठीक है, मैंने कहा मैं अभी टेक्स्ट नहीं करूंगा घर जाके टेक्स्ट करूंगा, अभी मैं घर जाता ही हूं, एंटर ही हो तो एक तो वाईफाई खुद ही कनेक्ट हो जाता है यार, फेसबुक लगाया था, एक तो ये मार्क ज़करबर्ग साथ ही एक्टिव नाउ लिख देता है ना साथ ही उसका टेक्स्ट आ गया इग्नोरिंग, वही कुत्तों वाला साइकिल रिसाइकल। नेहा के साथ ही हो रहे सिंसियर? नेहा, उसके लिए मुझे अपना मूड और अपना टाइम टेबल उसके मुताबिक सिंक करना पड़ता है, जैसे कुत्ता नहीं होता उसे अपना पट्टा अपने मालिक के साथ सिंक करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे। एक तो हमारे माशरे में लड़के के मूड खराब होने का कोई तसव्वुर ही नहीं है ना, कोई तसव्वुर नहीं है। पिछले दिनों मेरा मूड खराब हुआ था, मेरी फेवरेट मैच हार गई थी बार्सिलोना, तो हर मैच हार जाती है ना हर मैच, इतने इतने बंदे खिलाओगे तो कैसे जीतेंगे। मैंने नेहा से कहा यार देखो मेरा मूड खराब है, तो आगे से कहती क्या अली इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो, बी ए मैन पी एम एस हो रहा है, जाओ जाके मूड ठीक करो। मैंने कहा ठीक है, फेसबुक लगाई वो फनी वीडियोस देखने लग गया, वीडियो ना वी आर प्राउड ऑफ यू ओली वो देखी, उसे शेयर किया साथ लिखा एल ओ एल, साथ ही नीचे आके कमेंट करती अली शेम ऑन यू थोड़े से सेंसिटिव हो जाओ, और सिर्फ ये नहीं कहती साथ ये भी कहती कि पहले आप सेंसिटिव भी थे फनी भी थे और रोमांटिक भी थे। मैंने कहा ठीक है यार मान ली गलती, चलो रोमांस करते हैं। फिर रोमांस शुरू होता है फोन में, बट आप यार रोमांस हो रहा है, रोमांस करते करते बंदा कह देता है यार अपनी प्यारी सी पिक्चर भेजो बस, साथ ही आपको नीचे अली मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है यार ना भेजो ऐसी फोटो, मगर जो इंस्टाग्राम में कैप्रिस पहन के फोटोज लगाई ना जिसके नीचे 1000 जोनी से दिलों वाले कमेंट करते वही भेज दो वही चलेगी। भाई वो हिना हिना वो आपकी फेसबुक वॉल में आके जितना मर्जी फ्री हो चलेगा, जिस मर्जी दोस्तों कमेंट लाइक करे चलेगा, और अगर आप उसकी वॉल पे जाके एक भी कमेंट कर दो तो आगे से कहेगी अली फैमिली है, और अगर आप उसकी वॉल पे हफ्ता कमेंट ना करो तो आगे से कहेगी अली आप मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हो, और फिर आप उसको देखो तुम अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो तो आगे से कहेगी अली यू डोंट नो एनीथिंग, और अगर आप उसको मुझे समझाओ मैं समझ जाऊंगा तो आगे से कहेगी अली तुम नहीं समझोगे, अल्लाह की कसम गट्टू मैं एमबीबीएस गन्ने बेच के नहीं है, अगर समझाएगी तो समझ जाऊंगा। भाई प्यार का पंचनामा 3 नहीं ब्लू टिक्स, मैं करूंगा तुम्हारे ब्लू टिक्स। बस यार तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। और फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। खोलो खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे, सारे, सारे। क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू यार इतनी देर हो गई है ब्लू टिक्स की है किसी का मैसेज ही नहीं है मुझे अभी तक, चलो खुद ही कॉल कर लेता हूं नेहा को करता हूं, नहीं 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 उसका हाथ बहुत भारी है, हिना को करता हूं नहीं लाल बालों में डैल लगती है, एमल एमल को करता हूं ला 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 ला। हाय एमल। हाय अली। यार वो तुमने मुझे मैसेज नहीं किया 8 घंटे हो गए, आंटी की तबीयत ठीक है? मुझे पता है अली आप मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता ये तुम कैसे कह सकती हो? जो बंदा 2 घंटे से मैसेज सीन करके भी रिप्लाई ना करे वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। ये तुम्हें किस पागल ने कह दिया? जोनी बाबा ने।
काम करेगा। Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on.